बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें SMS अस्पताल लाया गया है। सीने में भारीपन और थकावट की शिकायत के चलते SMS अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने चेकअप किया है। चेकअप और ECG सामान्य होने पर CT NGO के लिए अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज शुरू किया जाएगा। डॉक्टर्स की निगरानी में चेकअप किया जा रहा है, जांचें की जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है, कोविड के बाद मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी, कल से सीने में तेज दर्द हो रहा था, अभी SMS अस्पताल में CT और NGO करवाया है। साथ ही उन्होंने लिखा है एंजियोप्लास्टी की जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे खुशी है कि मैं SMS अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ और जल्द ही वापस आऊँगा। ये तमाम बातें ट्विटर के जरिए साझा की गई है मुख्यमंत्री की ओर से। उन्होंने लिखा है, आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, जल्द ही स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, स्वयं को हो रही तकलीफ का जिक्र ट्वीट में किया गया है। साथ ही उन्होंने खुशी व्यक्त की है कि इलाज कराने के लिए SMS अस्पताल पहुंचे हैं और SMS अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। CT NGO करवाया गया है, एंजियोप्लास्टी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो मुख्य सचेतक महेश जोशी भी SMS पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने चेकअप किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। सीने में भारीपन होने की शिकायत के बाद चेकअप किया गया। आर्टरी में 90% ब्लॉकेज की बात भी सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुख्यमंत्री निवास का स्टाफ उन्हें तुरंत SMS अस्पताल लेकर पहुंचा, तो वहीं तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और SMS अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत भी SMS हॉस्पिटल पहुंच गई है। शिक्षा मंत्री और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने के बाद कई मंत्री, कई आला अधिकारी SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने के चलते मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दिल्ली दौरा भी रद्द हो गया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें SMS हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल SMS की CCU में उन्हें रखा गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश,
अचानक मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ी है, SMS हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आशीष, ये बड़े लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कोविड के जो इफेक्ट हैं वो पिछले काफी दिनों से दिखाई दे रहे थे और उसके चलते कल से ही उनके सीने में दर्द की शिकायत थी। कल भी डॉक्टरों ने उनकी जांच मुख्यमंत्री आवास पर की थी, लेकिन आज जब दर्द बदन दर्द ज्यादा बढ़ा तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जांच करवाने के लिए SMS अस्पताल पहुंचे थे, CT NGO करवाया और उसके बाद एक ब्लॉकेज की शिकायत मिल ब्लॉकेज बताया जा रहा है कि जांच में सामने आया है कि CT NGO में ब्लॉकेज नस में सामने आया है, तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी करवाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री को फिलहाल SMS अस्पताल में ही उनकी जांचें हो रही है और जांच में जो सामने आएगा उसके बाद उनका प्रॉपर इलाज शुरू किया जाएगा। SMS अस्पताल में लगातार जो मंत्री विधायक हैं वो भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वाइफ हैं सुनीता गहलोत, वो भी SMS अस्पताल पहुंची हैं, क्योंकि जो पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोविड हुआ था सेकेंड वेव में और उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि अवॉइड भी कर रहे थे, ज्यादातर भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे थे, लोगों से मिलना अवॉइड किया था, पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते उन्होंने खुद को क्वारंटाइन भी रखा था, अलग से रखा था, जब भी वो मीटिंग ले रहे थे लगातार VCs के जरिए वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड के जो इफेक्ट हैं वो सामने आ रहे थे, तो उसको देखते हुए कल से जब उनके बदन में दर्द था, दर्द की शिकायत के चलते उन्होंने कल भी सुधीर भंडारी उन्होंने उनका चेकअप किया, लेकिन जब बदन दर्द ज्यादा बढ़ा तो आज वो चेकअप के लिए SFS अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो CT NGO करवाई उसमें ये सामने आया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री का SMS अस्पताल में ही इलाज शुरू होगा। उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के चलते इस तरह की जो है प्रॉब्लम सामने आ रही थी, ये बदन दर्द का जो सीने में दर्द की शिकायत कल से ज्यादा हुई, उसके बाद वो आज चेकअप के लिए पहुंचे थे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है वो भी SMS अस्पताल में है, PCC अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो भी पहुंचे हैं, लगातार अलग अलग जो मंत्री विधायक हैं प्रताप सिंह काचरिया। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है, SMS में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी। जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज हुई है और दिल्ली का दौरा भी उनका रद्द हुआ है, फिलहाल क्या आपकी बातचीत हुई है, डॉक्टरों का क्या कहना है? खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपनी स्थिति के बारे में बताया है जी। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा जानकारी कोई नहीं दे सकता, खुद उन्होंने जानकारी दी है और एक बहुत अच्छा उनका कदम है कि किसी भी प्रकार के जो चिंता लोगों के मन में है उस चिंता का निराकरण उन्होंने किया है और उनके एंजियोप्लास्टी उनकी चल रही है जी। डॉक्टर पूरी तरीके से सारी स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं जी। राजस्थान की जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार मुख्यमंत्री जी के साथ में है जी। उन्होंने खुद भी कहा हम सब की हमारा विश्वास है जल्दी से जल्दी वो पूरा स्वास्थ्य लाभ करके वापस जन सेवा के अपने संकल्प को पूरा करें जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से कोविड उनको हुआ था उस वक्त भी वो वर्चुअल कनेक्ट थे और लगातार प्रदेश की जनता की सेवा में जुटे हुए थे और अब पोस्ट कोविड के बाद उन्हें SMS में भर्ती करवाया गया है। अभी भी ट्वीट करके उन्होंने जानकारी साझा की है, साथ ही कहा है कि आशीर्वाद जनता का उनके साथ में है। क्या कुछ कहेंगे उनकी कार्यशैली को लेकर, लगातार जनता से कनेक्ट रहने की उनकी ये परंपरा, उनकी ये भावना रहती है जनता से कनेक्ट रहे? वो ये चाहते हैं किसी प्रकार की अफवाहें नहीं हो, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं फैले, कम्युनिकेशन बना रहता है, कनेक्टिविटी बनी रहती है, तो अफवाहों को रोका जा, वो ये कनेक्टिविटी अफवाहों को रोकती है जी। बिल्कुल, और सच्चाई जनता के सामने होती है तो कुछ चिंता और जितने फिक्र होती है वो भी नहीं रहती। और अशोक गहलोत जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि राजस्थान का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी विचारधारा को, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सब उनके प्रति दुआएं करते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। कब तक उम्मीद की जा सकती है? ये आशीर्वाद उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जी। बिल्कुल, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि इनको डिस्चार्ज किया जाएगा SMS से? अभी तो कुछ कहना, थोड़ी देर पता लग गया, एंजियोग्राफी पूरी हो जाए जी, उसके बाद में डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, डॉक्टर की सलाह मानना सबके लिए आवश्यक है।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, जिन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने कहा है कि चिकित्सा लाभ उनको दिया जा रहा है, जांच उनकी की जा रही है, सीने में भारीपन की तकलीफ के बाद उन्हें SMS हॉस्पिटल ले जाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है, चेकअप किया गया, ECG की गई, ECG सामान्य थी, लेकिन इसके बाद CT NGO करवाई गई, एक आर्टरी में ब्लॉकेज की शिकायत देखी गई है। अब एंजियोप्लास्टी की जाएगी, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। तो वहीं शुभ चिंतकों में कहीं न कहीं चिंता देखी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, लोगों से कहा है कि आपकी दुआएं और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और जल्द ही मैं स्वस्थ होकर लौटूंगा। तो वहीं मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने की खबर मिलने के बाद तमाम बड़े नेता SMS अस्पताल पहुंच रहे हैं, मंत्री SMS अस्पताल पहुंच रहे हैं, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी SMS अस्पताल पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी SMS पहुंचे हैं। SMS अस्पताल में ले जाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें SMS ले जाया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने CM के स्वास्थ्य की जानकारी ली है, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। Thank you.